आप सभी ने वॉश बेसिन में छेद तो देखा ही होगा। सोचा है कि सिंक के किनारे पर इन छेदों का क्या उद्देश्य होता है। इस छेद के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, अगर ड्रेन नीचे के साइड से ब्लॉक हो जाए तो ये दूसरा होल इस पानी को ड्रेन कर देगा। अगर ये दूसरा होल नहीं होता तो पानी सिंक से ओवरफ्लो होकर नीचे गिर जाता। दूसरा कारण यह है कि एक ओवर होल होने के कारण ड्रेनेज पाइप में दूसरी ओर से हवा अंदर प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से नीचे वाला होल से पानी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो जाता है।